सेहत संबंधी हर तरह की वीडियो देखने लिए तुसीं साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब कर सकते हो। सिर्फ 15 दिनों में वजन वधाउण दा बहुत ही जबरदस्त नुस्खा। दोस्तों, जिस तरह ज़्यादा वजन लोगों की परेशानी का कारण हुंदा है, उसे तरह ही घट वजन भी लोगों की परेशानी का कारण बनता है। इसलिए अज की इस वीडियो विच असी पतले कमजोर शरीर नूं सोहना सुडोल अते ताकतवर बनाउण लई बहुत ही जबरदस्त देसी नुस्खा खुराक लैके आए हाँ, जो तुहाडा भार बड़ी तेजी नाल वधाएगा। तो दोस्तों, दसदे हाँ तुहानू अज दे इस भार वधाउण दे देसी नुस्खे बारे। नाल ही तुहानू दसांगे तुसी इस देसी नुस्खे नूं घर विच बनाउणा किवें है अते इसका इस्तेमाल किवें करना है। इस नुस्खे नूं बनाउण लई तुसीं सब तों पहला लैणे हन काले छुहारे। दोस्तों, ज़्यादा पतला होना भी साडे लई चंगा नहीं हुंदा, क्योंकि यह ना सिर्फ साडे शरीर की कमजोरी दिखाउंदा है, नाल ही किते ना किते यह साडी परसनैलिटी नूं भी खराब करदा है। ते अज दे समें परसनैलिटी दा किन्ना महत्व है यह तां असीं सारे जाणदे ही हाँ। काले छुहारे वजन वधाउण लई बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुंदे हन। तुसीं की करना है, एक कोली विच 5 तों 7 काले छुहारे लैणे हन। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो तुसीं इस नुस्खे नूं बनाउण वास्ते लैणी है उह है अखरोट। बहुत ही ज़्यादा कैलोरी अते हाई लैवल नाइट्रिक ऑक्साइड होण दे कारण अखरोट एक ऐसा कुदरती तरीका है जिस नाल असी अपने मसल नूं रिकवर अते मांसपेशियां दी ग्रोथ नूं वधा सकते हाँ। रिसर्च दे मुताबिक पाया गया है कि 20 ग्राम रोजाना अखरोट खाण नाल साडा वजन वधना शुरू हो जाता है। इस नुस्खे लई तुसीं 5 तों 7 गिरियां अखरोट दीआं लैणियां हन। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो तुसीं इस नुस्खे नूं बनाउण वास्ते लैणी है उह है 1 गिलास दुध। हुण तुहानूं दसदे हाँ तुसीं इस नुस्खे नूं तैयार किवें करना है। तुसी सवेर दे समय 1 गिलास दुध लेना है। इस 1 गिलास दुध विच तुसी 3 पीस छुहारे दे पा देने हन ते छुहारिया नूं दुध विच गलन लई छड़ देना है। हुण शाम दे समय तुसी की करना है, इस छुहारे वाले दुध नूं चंगी तरह उबाल लेना है अते दुध उबालण तों बाद तुसी इन्हां छुहारिया नूं चबा चबा के खा लेना है ते उपरों यह दुध भी पी जाना है। ते नाल ही तुसी अखरोट दीआं गिरियां भी खाणियां हन। इस नुस्खे दा तुसी साडे दसे होए तरीके नाल शाम दे समय इस्तेमाल करना है। दोस्तों, दोपहर दे समय तुसी की करना है, रोटी खाण तों बाद तुसी हरी मूंगी दी दाल दा सेवन करना है। मूंगी दी दाल नूं असी पानी विच भिओ के 7 तों 8 घंटियां लई रख देना है। मूंगी दी दाल विच बहुत ज़्यादा प्रोटीन हुंदा है, जिस कारण साडे शरीर विच मांसपेशियां दा निर्माण होण लगदा है, यानी कि साडे मसल वधन लगदे हन ते साडा शरीर सुडोल बनन लगदा है। नाल ही मूंगी दी दाल विच फाइबर बहुत ज़्यादा हुंदा है, जिस कारण यह साडे पाचन तंत्र नूं चंगा करदी है, क्योंकि जेकर साडा पाचन तंत्र चंगा होवेगा तां असी कुछ भी खावांगे तां उह साडे शरीर नूं सीधा लगेगा, शरीर तो बाहर वेस्ट नहीं जाएगा। दोस्तों, इसलिए हरी मूंगी दी भिजी हुई दाल दा दोपहर दे समय रोटी तो बाद तुसी सेवन करना है। इस सारे नुस्खे नूं साडे दसे हुए तरीके नाल सेवन करन तो बाद तुहाडी भुख वधेगी, लीवर मजबूत बनेगा, पाचन तंत्र चंगा होवेगा, जिस नाल तुहाडा शरीर ताकतवर मजबूत बनेगा अते वजन वधेगा। बस तुसी इस नुस्खे नूं लैण दा सही तरीका ध्यान नाल सुन लेना है। शाम दे समय छुहारे वाला दुध ते नाल अखरोट दा सेवन करना है अते दोपहर दे समय तुसी हरी मूंगी दी भिजी हुई दाल दा सेवन करना है। इस सारी खुराक नूं तुसी 20 दिन लगातार खाना है। यकीन मन्नो, 20 दिन लगातार लैण नाल तुहाडा शरीर फैलन लगेगा, शरीर विच मांसपेशियां दा निर्माण वधेगा अते तुहाडा शरीर दा वजन वधेगा, जिस नाल पतला कमजोर शरीर सोहना अते सुंदर सुडोल दिखेगा। सो दोस्तों, जेकर तुसी भी अपना भार वधाउणा चाहुंदे हो तां अज तों ही साडे दसे होए तरीके नाल इस नुस्खे दा सेवन करना शुरू करो। इह सी साडी अज दी जानकारी। जेकर तुहानूं जानकारी चंगी लगी तां वीडियो लाइक जरूर करो, वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर करो। नाल ही होर इसे तरह के सौखे असरदार घरेलू नुस्खे देखने लई तुसीं साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब कर सकते हो।